दोस्तों विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज़्यादा जातीय समीकरण हावी रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से अगड़े पिछड़े की राजनीति करते आए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टियां ऐसे महारथियों की तलाश कर रही है जो अपने विरोधियों को चित करने की कला में माहिर हो। लोकसभा चुनाव में दिल्ली पहुंचने के लिए यूपी बिहार काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि जिसने यूपी बिहार जीत लिया उसे ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का मौका मिलता है। खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर सीट और टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती है और इसको बांटने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास 40 फॉर्मूले भी हैं, पर मुश्किल है कि एक ऐसा फॉर्मूला निकालना जिस पर गठबंधन के सभी दल सहमत हो। खासकर अगर बात बीजेपी की करे तो पार्टी भले ही गठबंधन को लेकर कोई खास बयानबाजी करते हुए नजर नहीं आ रही है, पर पार्टी निश्चित रूप से चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को साधने का फॉर्मूला तलाश कर रही होगी। हालांकि जीतन राम मांझी ने जरूर कहा है कि उनकी पार्टी अब एनडीए में शामिल हो चुकी है, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी वहाँ भी स्थिति साफ नहीं है। वैसे बिहार में बीजेपी सभी 40 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मोदी लहर में भी बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत महसूस हुई है। इसको देखते हुए मौजूदा समय में चिराग पासवान को साधना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान का गुट एक दूसरे से सुलह करने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया कि ये दोनों एकजुट हो जाएं, पर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान एक दूसरे के प्रति नरमी बरतने को तैयार नहीं है। मुश्किल यह है कि बीजेपी इन दोनों में से किसी एक का भी त्याग करती है तो इसमें आगामी चुनावों में पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। खासकर बात चिराग पासवान की करे तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ऐसे में अगर इनका बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो पार्टी को चिराग पासवान से बड़ा फायदा हो सकता है, पर बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि चिराग पासवान फिलहाल गठबंधन करने को लेकर एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि अन्य पार्टी के नेता आए दिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान के समर्थक उन्हें भावी सीएम बताने से भी नहीं चूक रहे हैं। मतलब कि बिहार की राजनीति में इस वक्त वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो चुनावों के दौरान होता है। स्थिति यह है कि चिराग पासवान किसी भी हाल में अपने पिता रामविलास पासवान के विरासत और राजनीतिक तपस्या को बुलंदी पर पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने जिस तरह से कई सीटों पर अपनी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है, उस पर बीजेपी की भी नज़रें टिकी होंगी। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने एक बार कहा भी था कि अगर परिस्थितियां आई तो पार्टी सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। यानी कि बीजेपी को संकेत दे दिया है कि वे चुनावों के लिए हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में गठबंधन की चर्चा के वक्त बीजेपी को कोई अन्य फॉर्मूले की तलाश करनी पड़ सकती है। वैसे भी धीरे धीरे न सही दलित समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी चिराग पासवान को अपना नेता मानते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा नमूना कुड़नी और मोकामा उपचुनाव के दौरान देखने को मिला है, जब उनके रैली से बीजेपी को काफी फायदा हुआ। जाहिर सी बात है कि जो नेता उपचुनावों में बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है उनको यह पार्टी लोकसभा चुनावों में भी साथ रखना चाहेगी। ऐसे में बीजेपी इनके साथ गठबंधन करने के लिए कैसा फॉर्मूला अपनाती है इस पर भी सभी की नजरें टिकी रहेगी। दोस्तों विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचारपुर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसे ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो
आप हमें कुछ इनपुट के साथ जानकारी साझा करें।